हेलो गाइस, वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस एंड आई एम विकेश कुमार। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मोशन क्लास 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन होता क्या है। ठीक है, तो आज के समय में इन एवरी डे लाइफ वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप ऑफ मोशन लाइक व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड, फ्लाइंग बर्ड, मोमेंट ऑफ नीडल ऑफ वॉच, मोमेंट ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, इटीसी। बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं, एटम मोलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, ये सारे के सारे मोशन में है। ठीक है, तो मोशन को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि क्या होता है, बोल सकते हैं इफ ए बॉडी चेंज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजिशन को चेंज करता है, ठीक है, किसी रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहां खड़ा हूं, ओके, तो अभी मैं खड़ा हूं तो रेस्ट में हूं, लेकिन अब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, तो पोजीशन चेंज कर दिया तो मैं मोशन में हुआ। जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ, कोई कभी भी पोजीशन चेंज होगा यानी वो ऑब्जेक्ट क्या किस में आएगा, मोशन में आएगा। दो चीजें होती है, एक होता है मोशन, दूसरा होता है रेस्ट। तो रेस्ट क्या होगा, सेम डेफिनेशन से कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं करेगा तो वो रेस्ट में है। क्लियर। इसके बाद आते हैं आखिर पोजीशंस क्या होता है, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन को अगर डिफाइन करना है तो अपन बोल सकते हैं कोई भी ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट पोजीशन होगा। जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं, दैट्स माय पोजीशन। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट है उसको हम पोजीशन बोल सकते हैं, या सराउंडिंग बोल सकते हैं, या रिफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को अगर हम, ये चेंज होता है पोजीशन तो वो मोशंस में आएगा, अगर चेंज नहीं होगा तो मोशंस में नहीं आएगा। ठीक है, एक पॉइंट और है कि पोजीशंस और रेस्ट जो होता है, बेसिकली मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव, ये हमेशा रिलेटिव होते हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होते। कैसे रिलेटिव होते हैं समझते हैं, अपन यहां अर्थ पे खड़े हैं, ओके, अगर खड़े हैं तो रेस्ट में है, लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम रेस्ट में है, लेकिन दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम मोशन में है, है कि नहीं। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से बताते हैं आपको। थ्री सपोज फ्रेंड है, ठीक है, और वो पब्लिक व्हीकल का इंतजार कर रहे हैं, रोड पे खड़े होकर, रोड के साइड में खड़े होकर पब्लिक व्हीकल का इंतजार कर रहे हैं। एक ऑटो आता है, रुकता है, जिसमें दो फ्रेंड ए और बी उसमें बैठ जाते हैं और जो सी है वो वहीं रह जाता है। अब यहां पे देखेंगे, जैसे ही ऑटो चलता है तो ए और बी जो है सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट में है, या फिर वो खुद को ऑटो के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट में है। क्लियर। लेकिन वही सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मोशन में है, या फिर ऑटो से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो मोशन में है, लेकिन ऑटो के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है, ओके, क्योंकि ऑटो के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है टाइम के अनुसार उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उनके रिफरेंस पॉइंट अगर खुद को रखते हैं या ऑटो को रखते हैं
तो ऑटो के अकॉर्डिंग उसमें वो बैठे हैं वहीं के वहीं है, लेकिन बाहर में कोई ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो उनका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो ऑटो के बाहर है उसके अकॉर्डिंग ये मोशन में है, लेकिन जो ऑटो के अंदर है उसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव होते हैं, समझ के बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, काम आने वाला है, तो इसलिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ओके, लाइक मास, डिस्टेंस, तो इस तरह की जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, जिसमें सिर्फ वो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। दूसरी तरफ आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन हो, लाइक ए वेट। अगर वेट की बात करते हैं, मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेट की जब भी बात करेंगे वो ग्रेविटी के कारण ही होता है, यानी वो कैसे रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट, लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम लोग यही देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और क्लियर हो जाएगी आपको। तो जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देखते हैं। ओके, डिस्टेंस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के मोशंस होते हैं। तो जो पहला मोशंस होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन है, उसको बेसिकली टू पार्ट में बांट दिया गया। जैसे कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है या कर्व लिनियर मोशन होता है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो सीधा चलता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा रोड है जो कर्व है, ऐसे घूम रहा है, मूव कर रहा हो, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे जाके ऐसे, तो ये कर्व लिनियर मोशन है, लेकिन दोनों ही ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है। ठीक है, तो जो इस तरह का मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर से कोई फ्रूट नीचे आता है, ठीक है, ये मार्कर यहां से अपन छोड़ते हैं, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। ठीक है, या फिर इस तरह से भी फेंक देते हैं तो ये ऐसे जाएगा कर्व में, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। लेकिन जब ये सीधा जाएगा तो क्या होगा, लिनियर मोशन में आ जाएगा, और ये जब इस तरह से फेंकेंगे तो कर्व लिनियर मोशन आ जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। दूसरी पॉइंट में आते हैं रोटेशनल, रोटेशनल मोशन कौन सा मोशन होता है। बेसिक तौर पे अगर बात करते हैं, कोई भी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो मूव करता है वो रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। इसके अंदर आते हैं, मान लीजिए कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट करता है, यानी जो अर्थ है वो रोटेट करता है, यानी अर्थ रोटेशन में है। ठीक है, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ वो एक्सिस करता है। आप अगर प्रैक्टिकली अगर हम दिखाना चाहें तो एक सेकेंड देखिए ध्यान से, जैसे इस तरह का जो मोशन हो गया ये रोटेशनल मोशन हो गया। ओके, क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है मेरे हाथों में फिक्स है, ये चारों तरफ घूम रहा है, ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। इसके बाद आते हैं
ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, इसमें क्या होता है, एक ही पॉइंट पे, ठीक है, एक टाइम पीरियड पे कोई चीज मूव करता है। जैसे कि मान लेते हैं इधर गया, उतना ही टाइम में ये इधर गया, ठीक है, या फिर कोई स्प्रिंग है इस तरह से मूव कर रहा है, जितना टाइम में नीचे जा रहा है उतना ही टाइम में ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस तरह के जो मोशन होता है जो पीरियोडिक में चलता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। अगर इसकी एग्जांपल से देखा जाए तो क्या हो सकता है, बेसिक तौर पे जो पेंडुलम होते हैं वो होता है, ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशंस में आ सकता है। झूला भी देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह की कोई भी मोशंस रहेगा वो कौन सा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन। ओके, इसके बाद आते हैं डिस्टेंस, जो हमने तय किया था। डिस्टेंस होता क्या है, अब जितना भी चलते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है, अब जितना भी ट्रेवल करते हैं इस सबको अगर ऐड करेंगे, दैट्स द टोटल लेंथ, अगर आप जितना चलते हैं वो सारे लेंथ को ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो कैसे डिफाइन भी कर सकते हैं, द टोटल लेंथ कवर बाई द एनी बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है, आप जितना भी ट्रेवल करते हैं उसका टोटल लेंथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, अगर सीजीएस में ले लिए तो सेंटीमीटर आएगा, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड मीटर, ओके, एंड द सीजीएस में अगर लेते हैं तो सेंटीमीटर, अगर ज्यादा लेना है तो किलोमीटर में भी हम ले सकते हैं। तो डिस्टेंस को इस तरह से मेजर करते हैं। दूसरी पॉइंट है डिस्टेंस के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट कहां था और फाइनल पॉइंट क्या है, द लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल बाई एनी बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। दोनों में ये डिफरेंस है, समझ लेते हैं, बोर्ड पे यहां ध्यान से देखिए। ओके, मान लीजिए ये ए है, यहां से चलना शुरू हुआ, क्लियर है, बी तक गया, उसके बाद यहां से सी तक गया और यहां से डी तक गया, ओके, क्लियर है, उसके बाद वो वापस ई तक आ गया, ओके, तो कुछ डाटा ले लेते हैं, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर गया, ये 4 किलोमीटर गया और ये वापस 5 किलोमीटर गया, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर गया, क्लियर है, जबकि यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर है, क्लियर हो गई बातें। अगर पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, ठीक है, ए और ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो हम देखेंगे ये कि कितना हमने ट्रेवल किया है, टोटल कितना ट्रेवल किया है, 5, 4, 9, 4, 14 और 3, 17 किलोमीटर। लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड ई, क्लियर, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो क्या करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बाय द वे तो हम क्या करते हैं, तो ए भी आगे देखते हैं कितना है, 5, ए से ई यानी यहां से यहां का लेंथ, बस इनिशियल पॉइंट यहां है और फाइनल पॉइंट यहां है,
यही लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 11 किलोमीटर, डिस्टेंस की बात करते हैं तो 70 किलोमीटर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। कब इक्वल होगा, जब मान लेते हैं कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, कहीं भी मुड़ता नहीं है, कहीं भी वो फोल्ड नहीं होता है सपोज, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो जाएंगे। मान लेते हैं ये बॉडी है ए है और यहां ले बी तक आया, ये सी तक आया, ध्यान, ठीक है, ए से कहां तक आया, सी तक, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो ये 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर बोला जाए कि डिस्टेंस ए टू सी, डिस्टेंस ऑफ ए टू सी, तो क्या होगा, 10, 5, 15 किलोमीटर। अगर लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, ये भी 15 किलोमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन में ही है। तो इस कंडीशन में जो होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी बॉडी जो है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। कब जीरो होगा, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और यहां से ये चलना शुरू होता है, ये घूमता हुआ ऐसे गया, वापस यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। तो कब जीरो होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एट सेम पॉइंट। तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे अगर खत्म होगा, यहां से शुरू हुआ घूम फिर के यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करते हैं भाई दबे, तो डिस्टेंस क्या होगा, जितना लेंथ वो ट्रेवल किया तो वो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ए जॉगर जॉग्स अलोंग ए वन लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। If the dimension of a park are 150 to 120 meter, then find the distance travel and the displacement of the jogger. ठीक है, वो कितना distance travel किया, okay, और कितना displacement तय हुआ, दोनों हमें find करना है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि length park कैसा है, rectangular है, तो rectangular park है तो length और breadth हम देख लेते हैं, ओके तो पार्क हम देख लेते हैं कैसा है, रेक्टेंगुलर, लेंथ मान लेते हैं 150 मीटर है, ब्रेथ है 120 मीटर, ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर पार्क है, क्लियर है, देख रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो जॉगर है वो वन लेंथ और वन ब्रेथ ही ट्रेवल करता है, यानी मान लेते हैं कि ये बी से अगर शुरू हुआ तो पूरा लेंथ ट्रेवल किया, पूरा ब्रेथ ट्रेवल किया, क्लियर है, ओके। तो हमें डिस्टेंस बताना है, सबसे पहले क्या बताना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे आते हैं, तो डिस्टेंस पे अगर आएंगे तो देखिए कि लेंथ कितना है, बी सी और प्लस सी डी, यानी 150 प्लस 120 इज इक्वल टू 270 मीटर, क्लियर है।
तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कहां से शुरू हुआ है, बी से, खत्म कहां हुआ, डी पे। तो ये लेंथ हम चेक आउट करेंगे बी डी, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए आते हैं। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये रेक्टेंगल पार्क है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, इस तरह का हमारे पास है 150 मीटर, 120 मीटर, और ये लेंथ हमें बताना है, क्लियर है, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बीडी इक्वल टू क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर रूट ओवर, क्लियर, 150 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। अगर यहां देखते हैं तो क्या आएगा, 225001440096300, क्लियर। ये किसका हो सकता है, 369 किसी का तो स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको रूट में फाइंड आउट करते हैं, कितना है, 936, यानी 900 × 41, क्लियर है, 900 का रूट निकाल लेंगे, इतना मीटर, 30√41 मीटर, क्लियर है, कितना है, 30√41 मीटर, यहां से देख लेंगे। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 30√41 मीटर, ओके। तो इस तरह से और सारी प्रॉब्लम्स अपन करते हैं, चले आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इफ इट कंप्लीट 2.5 रेवोल्यूशंस अलोंग द सर्कुलर पाथ देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, जिसकी रेडियस हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है 2.5 ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ओके। तो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, तो यहीं से शुरू करते हैं, गिवेन है क्या हमारे पास, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा, ये सर्कल हो गया, तो मान लेते हैं कि बॉडी यहां से शुरू हुआ होगा, क्लियर। जब यहां से शुरू हुआ, एक पूरा चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर ढाई चक्कर लगाया, 2.5 टोटल रेवोल्यूशंस कितना है, 2.5। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की अगर बात करते हैं ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्या निकाला हमें, डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस निकालना है बाय द वे, तो ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई भी बॉडी जो है एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जितना उसका सर्कमफ्रेंस आता है उतना ही, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2π r, यही तो होगा, लेकिन वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 होल 1/2 टाइम्स, यानी 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स अगर एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2.5 टाइम्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन निकाल लेंगे, 2 × 3.14 रेडियस हमें पता है, ओके, 340 × 100 इक्वल टू 340 सेंटीमीटर।
तो 2.5 revolution में 314 सेंटीमीटर ये ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां से शुरू हुआ था, एक चक्कर लगाया फिर वापस आ गया तो जीरो, फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर वापस आ गया जीरो, फिर यहां से यहां तक आके खत्म। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म, ठीक है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो सेंटर से होकर जाएगा क्योंकि हाफ है ना पूरा। तो ये यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली बोलिए डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही आएगा जितना इसका डायमीटर आएगा। तो डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा, 2r, यानी 20 × 2 = 14 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, डिस्टेंस ये आ गया। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कीजिए फटाफट। थैंक यू।